बिजनौर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक हाजी शहनवाज राणा को पुलिस ने बिजली चोरी के एक मामले में उत्तराखंड से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां अपर न्यायाधीश फोर्थ ने पूर्व विधायक शहनवाज राणा को अग्रिम जमानत देकर 6 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। बता दें कि वर्ष 2011 के एक पुराने विद्युत चोरी के मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट अपर न्यायाधीश चतुर्थ ने कोर्ट में तारीख पर नहीं आने पर पूर्व बसपा विधायक हाजी शहनवाज राणा को NVW जारी कर दिया था। पुलिस ने वारंट मिलने के बाद विधायक शहनवाज राणा को उत्तराखंड के मंगलोर थाना क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री से गिरफ्तार कर उन्हें मुजफ्फरनगर कोर्ट लेकर पहुंची थी। पूर्व विधायक शहनवाज राणा की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही उनके समर्थकों को लगी तो उनके सैकड़ों समर्थक मुजफ्फरनगर कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट ने अग्रिम जमानत मिलने के बाद हाजी शहनवाज राणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देखिए साहब, यह बहुत पुराना मामला है, कुछ फैक्ट्री के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुराना ये कुछ फैक्ट्रियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो क्योंकि वो मुकदमा ख़त्म हो गया था और जो चोरी का मुकदमा लिखा गया था वो चोरी कोर्ट ने नहीं मानी थी, विद्युत चोरी की, वो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने यही सोचा जब चोरी नहीं मानी गई, ख़त्म हो चुकी, सबके पैसे जो जमा हुए थे सबके वापस करा दिए कोर्ट ने, तो हमें ये नहीं पता था कि कोई वारंट है। तो आज वारंट आया, पुलिस हमें बताने गई कि आपका वारंट है, हमने कहा जी कोई बात नहीं, चलते हैं। हम यहाँ आए, वो वारंट हमारा कैंसिल हो गया, जज साहब ने क्योंकि पिछला देखकर और उसको ख़त्म कर दिया, वारंट कैंसिल कर दिया। ये था लगभग 2011 का।